सो आफ्टर डिस्कसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकनॉमिक्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एंड माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स नाउ वी आर कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन विच इज दैट हाउ इन्क्रीज इन पॉपुलेशन विल अफेक्ट डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ और रिलेशनशिप को जो कि बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक इक्वेशन या नेशनल इनकम की जो तो इक्वेशन है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा

अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे तो एक्सपेंडिचर्स हैं इसको जीडीपी या नेशनल इनकम क्यों कहते हैं एक्चुअली किसी मुल्क के अंदर अगर किसी एक शख्स का कुछ खर्च है तो वो किसी दूसरे शख्स की आमदन है तो जब आपके मुल्क में खर्च बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि वो जिन लोगों की गुड्स एंड सर्विस को यूज़ कर रहे हैं उससे उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनकी चीजें चूंकि सेल हो रही हैं तो उनकी इनकम बढ़ रही है तो कुछ लोगों की इनकम कुछ लोगों का खर्च होता है और कुछ लोगों का खर्च कुछ लोगों की इनकम होती है अगर इन तमाम अखराजा को जिसमें कन्ज्पशन एक्सपेंडिचर्स है इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है अगर आप प्लस कर दें यू विल गेट योर जी डी पी ना क्वेश्चन इज हाउ इंक्रीज इन सी विल अफेक्ट वाई जब कन्जम्पन एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो उसकी वजह से लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे क्या असर पड़ेगा इंक्रीज इन कन्जम्प्शन एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज नेशनल इनकम मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर लोग खर्च करेंगे तो इसका मतलब यह है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी और लोगों की इनकम बढ़ेगी और इनकम का बढ़ना एक्चुअली नेशनल इनकम का बढ़ना ही होता है दूसरी चीज है कि हाउ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल अफेक्ट लेवल ऑफ नेशनल इनकम विच इज वाय अगेन देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन देर विल बी ग्रेटर प्रोडक्शन ग्रेटर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट एंड देर विल बी मोर कंजम्पशन और उसकी वजह से आपकी लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ेगी इसको अभी हम एक डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन करते हैं जो तीसरा फैक्टर है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचरस का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है लेवल ऑफ नेशनल इनकम के साथ तो अगर इनको प्रिसाइसली uh, लिखा जाए देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट एंड लेवल ऑफ इनकम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम हर चीज जो आपकी नेशनल इनकम है जीडीपी है वो लोगों के खर्च से बढ़ती है आपके मुल्क में होने वाली इन्वेस्टमेंट से बढ़ती है और गवर्नमेंट जो खर्च करती है उससे बढ़ती है अब गवर्नमेंट के खर्च में क्या क्या चीजें शामिल हैं जाहिर है मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इसके अलावा गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं करंट एक्सपेंडिचर्स हैं ये सारी चीजें लोगों की इनकम का जरिया बनती हैं इसको आप एक सर्कुलर फ्लो के जरिए भी देख सकते हैं कि वेन एवर पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस उससे मुल्क में बहुत सी चीजों की डिमांड बढ़ेगी उसमें गुड्स भी हैं सर्विसेज भी हैं और जिन चीजों को वो खरीदना चाहते हैं उनकी डिमांड बढ़ने से उन चीजों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो जो फैक्ट्रीज हैं जाहिर है प्रोडक्शन के लिए उनको और वर्कर्स चाहिए उससे इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी जब किसी शख्स को इम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उसकी इनकम बढ़ती है और जब किसी शख्स की इनकम बढ़ती है तो आप पहले ये सीख चुके हैं कि इनकम के बढ़ने से लोगों का खर्च बढ़ जाता है और उससे उसका खर्च बढ़ेगा और जब खर्च इसी तरह बढ़ेगा तो कुछ और चीज़ों की गुड्स एंड सर्विसेज़ की डिमांड बढ़ेगी फर्दर प्रोडक्शन होगी फर्दर इम्प्लायमेंट जनरेट होगी उससे फर्दर इनकम बढ़ेगी और खर्च बढ़ेगा इसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कुछ लोग खर्च करते हैं तो किसी मुल्क की आमदन डिपेंडिंग अपॉन द मल्टीप्लायर इफेक्ट कई गुना बढ़ सकती है सिमिलर विल बी द केस विद इन्वेस्टमेंट जब कुछ लोग कारोबार करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उससे प्रोडक्शन बढ़ती है और उसको प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए या बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिलती है जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनकी इनकम बढ़ती है और उनकी इनकम के बढ़ने से फर्दर आप ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन बढ़ती है और कंजम्पशन के बढ़ने से डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी जब डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी होगी प्रोडक्शन होगी एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेट होगी ये कैसा सर्कल है कि जिसमें खर्च इन्वेस्टमेंट और हकूमती अखराजा कई गुना आपके मुल्क की लेवल ऑफ नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं लेसन इसमें क्या है कि योर लेवल ऑफ नेशनल इनकम लार्जली डिपेंड्स अपॉन हाउ पीपल आर कंज्यूमिंग हाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग एंड हाउ गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग डिफरेंट रिसोर्स एंड स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट तो ज्यादा खर्च ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हकूमती अखराजात जो कि प्रोडक्टिव पर्पज के लिए हो उससे आपके मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ होती है और उससे जाहिर है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो पॉपुलेशन की वेलफेयर भी होती है